मान लो संसार का चिंतन नहीं करने देना है इसको, आप जैसे बने वैसे करो भागवतिक चिंतन, कोई नाम ले लो, कोई मंत्र ले लो, तुम्हें जो प्रिय लगे हम छूट देते हैं, जो तुम्हें प्रिय लगे पहले उसे पकड़ो। ये हम अंदर की बात करे, प्रवचन की बात नहीं करे, मन को फंसाना है हमें। राम कृष्ण हरि जहां लगे इसको लगा पहले। आप सभी को राधे राधे। श्री गुरु जी का ये प्रवचन ऐसे सभी लोगों को सुनना चाहिए जिनका मन हमेशा भटकता रहता है। श्री गुरु जी ने मन को शांत करने और प्रभु की भक्ति का बहुत ही आसान उपाय इस प्रवचन में बताया है और समझाया है कि भगवत प्राप्ति और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ब्रह्मचर्य कितना जरूरी है। तो ध्यान से सुने श्री गुरु जी के इस प्रवचन को और सही मार्ग पर बढ़ते रहे। राधे राधे। ये कलयुग की बहुत महीन चाल है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा और हम तुम्हें काम से युक्त कर देंगे। इसके बिना काम चलेगा नहीं, तुमको रखना पड़ेगा, और जब तुम इसे रखोगे तो हम काम अपना कर लेंगे। कलयुग ने कहा हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का, उसी समय विषय चिंतन होता है। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है, मान लो हमारी प्रार्थना मान लो। क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप जब आप नींद में जा रहे हैं तो बिल्कुल मानो मृत्यु शैया पे जा रहे हैं। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना है, कहीं मन बहक ना जाए। तो क्या होगा, 5-6 घंटे जो आप लेटोगे ना वो भी भजन हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि एक मंत्र में एक नाम में जैसे बहुत देर अभ्यास करते हैं तो मन उबने लगता है, इसका स्वभाव है। तो इसको हम लोगों ने कैसे फंसाया है, अभ्यास स्नान के समय, भोजन के समय, किसी क्रिया के करते समय, किसी से बात करते समय, सोते समय, ये विशेष स्थान जहां में सावधान रहना है या भजन छूटता है, ध्यान देना यही भजन छूटता है। चलते समय, क्रियावान होते समय, प्रसाद पाते समय या किसी से बतराते समय, ये सब भजन के छूटने के स्थान है और यही पकड़ना है भजन। जब आपको बिल्कुल न लगे तो मानसिक सपंद कर दो और गुनगुनाने लगो, जो धुनी आपको अच्छी लगे उसी में नाम, कोई नाम लेके। पहले हम आपको छूट देते हैं, भक्त चरित्र, भगवान की चरित्र, नाम कीर्तन मंत्र, जो भी चाहो, संसार का चिंतन मत होने देना, पहले ये पकड़ो। फिर आगे चल करके जब पवित्र हृदय होगा तब ये निष्ठाती रसना कटो जो अन रटो निरखियन फुटो नयन। मान लो संसार का चिंतन नहीं करने देना है इसको, आप जैसे बने वैसे करो भागवतिक चिंतन, कोई नाम ले लो, कोई मंत्र ले लो, तुम्हें जो प्रिय लगे हम छूट देते हैं, जो तुम्हें प्रिय लगे पहले उसे पकड़ो। ये हम अंदर की बात करे, प्रवचन की बात नहीं करे, मन को फंसाना है हमें। राम कृष्ण हरि जहां लगे इसको लगाओ पहले, पहले इसको फंसाओ, संसार का चिंतन न होने दे। गीता, भागवत, भक्त चरित्र, कुछ भी कहीं भी इसे फंसाओ पहले, संसार का चिंतन न होने दो, फिर लाओ इसको घुमा के निकुंज वाटिका में, फिर तो भागेगा ही नहीं, फिर नहीं भागेगा। अन्यथा बहुत प्रपंची मन है, आप आश्रय इधर कर लोगे, प्रपंच का चिंतन करोगे, बात बनेगी नहीं। चिंतन छोड़ना है हमें, जैसे बने तैसे संसार का चिंतन छूट जाए तो हम विजय को प्राप्त होंगे। ज्यादा परिश्रम नहीं है वैराग्य में, विवेक नहीं होने के कारण हम वैराग्य नहीं धारण कर पाते। हम बाहरी बातों को वैराग्य ले लेते हैं, ऐसा कपड़ा बदल लेना या कपड़ा ना पहनना या लौकी का कमंडल, मिट्टी का पात्र, तो हम अपने को वैरागी। बात यहां नहीं रुकेगी, वैराग्य का इतना ही मतलब नहीं, ये भी एक बाह्य अंग है वैराग्य का, पर वैराग्य का सच्चा स्वरूप है वीतरागा। कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर रहा, लोक लोकांतर की प्रतिष्ठा, मान, सुख, ईश्वरीय व्यक्ति कुछ अच्छा नहीं, राग खत्म हो गया। ऐसा उस अक्षर ब्रह्म को, अविनाशी तत्व को जान पाता है। हालत यह है कि जैसे सांप ने मेंढक को पकड़ रखा और मेंढक सामने पतिंगा को, कीड़े को पकड़ना चाहता है, उसे यह पता नहीं कि मैं खुद किसी का कवल बन चुका हूं, वो एक झटके में मुझे अपने पेट में ले जाएगा,
ऐसे ही हम सब हैं, काल के द्वारा ग्रसित है, काल ने हमें पकड़ रखा है और हम भोग भोगना चाहते हैं। हम नाना प्रकार की मन प्रतिष्ठा पाना चाहिए, ये पता नहीं एक झटके में हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। एक बार तो हिम्मत करके उठो, एक बार तो दृढ़ बनो, बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झटझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें जलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते, जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा सहत सहत बाढ़ भगति, ये नाशवान काम क्रोध आदि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ, ये स्थाई नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है, इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थयाटन भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आप सुन लिया सत्संग, बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता, यहां लक्ष्य वालों की बात हो रही। यदि क्षमतो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे, तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, आए नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे, विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करो। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, यह है ब्रह्मचर्यम चरन्ति, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। आपने श्री गुरु जी का ये सुंदर प्रवचन सुना। आशा है आपको इस प्रवचन को सुनकर बहुत आनंद मिला होगा और आपको इस प्रवचन से जरूर कोई अच्छी बात भी सीखने को मिली होगी। आप चाहें तो इस प्रवचन से हुए अनुभव को हमारे परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। और राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सबको श्री गुरु जी के मुखारविंद से इसी तरह ज्ञान मिलता रहे, राधा कृष्ण से यही कामना है। आप सबको राधे राधे।